चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बदअमनी हुई तो वजीर दाखला से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार खातून शहरी आसमा मलिक की जानिब से पीटीआई और दीगर सियासी जमातों को टी चौक पर जलसे से रोकने की दरखास्त पर समाअत की। शहरी आसमा मलिक का कहना था कि इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज और तसादम का खदशा है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के एहतजाज से झगड़े होंगे, पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के डी चौक पर इज्तिमा को गैर कानूनी करार दिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी शहरी या पार्टी को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकते, ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी है, अदालत खतरात को भांपने का काम नहीं कर सकती। अगर बदअमनी हुई तो वजीर दाखला से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। अदालत ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी वजारत दाखला और इंतजामिया की करार देते हुए खातून शहरी की दरख्वास्त निपटा दी है। पीके न्यूज़ इस्लामाबाद।